तो आज मैं आप लोगों को कुछ खास दिखाने वाली हूँ, कैसी लगी आप लोगों को बताना। ये खेत में आ गई हूँ और पूरी घास देखिए ऐसे सुखाने डाल रखी है। तो दोस्तों देखिए इतनी सारी घास हमने इकट्ठा कर दी है। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला, मैं भावना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल एनु व्लॉग्स पे। तो दोस्तों आज फिर से मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करी है मॉर्निंग के 11 बजे से। तो आज बहुत अच्छी खासी धूप आई, तो असौज का महीना आ गया है और सभी लोग घास काटने में बिजी हैं और इस टाइम पे घर पे कोई नहीं मिलेगा, सभी खेतों में गए होंगे घास काटने के लिए। तो हमारे घर के ऊपर भी खेत हैं बहुत सारे, वहाँ भी घास काट रखी है बहुत सारे लोगों ने। और ये देखिए अतुल, आ गया ये सामान। सामान पार्टी चल रही है आज हमारी। और किस चीज की पार्टी चल रही है आज, कुछ स्पेशल आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ। तो गाइस मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ अभी। तो ये है हमारी नई बुलेट, ये देखिए दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को बताना कमेंट करके हमें। ये है मैटियोर, ये हमारी नई गाड़ी। दीवान भैया पार्टी नहीं लिया आपने, ये देखो भैया। देखो मेरे को पार्टी है, शाम को देखता हूँ कह रहा है। शाम को आ थोड़ी रहे हैं फिर, ये कहाँ जा रहा है, घर जा रहे हैं। चॉकलेट निकालो भैया एक, ये देखिए गाइस ओ अतुल कॉल करो उनसे, चॉकलेट ताजी ताजी अभी बन रखी है, ये बिल्कुल ताजा ताजा है, बहुत टेस्टी है, मैं खा के दिखाती हूँ। बाल मिठाई देखिए। तो फाइनली आप लोगों को बता दूं ये बुलेट ले रखी है अतुल ने। अतुल बहुत बहुत बधाई हो आपको, और मेरी पूरी YouTube फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये घर जा रहे हैं देखिए, तीन तीन डब्बे, तीन तीन डब्बे भर के ले जा रहे हो बांटने के लिए। तो अतुल ने आज हमारी पार्टी कराई चाउमीन और मोमो की और कोल्ड ड्रिंक। क्या कह रहा है, क्या खिलाई कह रहा है, करेले की सब्जी। तो दोस्तों अब मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। मैं तो आज बना रही हूँ मैं कद्दू की सब्जी, कद्दू भात बहुत पसंद है मुझे और मम्मी को, और बाकी इन लोगों के लिए बनाएंगे हम दाल क्योंकि ये लोग कद्दू नहीं खाते हैं। हेलो गाइस, क्या कर रहे हो गाइस, देखो मम्मा क्या कर रही है, और ये देखो गेहूं में है यहाँ, और देखो वो भी गेहूं। दादी क्या कर रही हो, देखो दादी हाय बोलो, और आप भी बोलो। तो गाइस अभी हम लोग कर रहे हैं गेहूं साफ, और वैसे तो साफ है पर थोड़ा थोड़ा सा कुछ गंदा गंदा है इसमें, तो उसको हम साफ कर रहे हैं। लाओ सफेद रंग की होती है। बारिश आ गई दोस्तों, क्या करें, कपड़े उठा के लाओ ये। अरे नहीं अरे नहीं अरे नहीं, तो दोस्तों बारिश आ रही है और बारिश की मोटी मोटी बूंदें आ रही है, और आजकल असौज का टाइम है तो सभी लोगों ने घास काट रखी है, खेतों में घास बिछा रखी है पूरी, और जब ये घास सूख जाती है तो इस घास को उठाकर एक जगह एक चट्टा लगाया जाता है, और फिर जिस समय पे घास नहीं होती है उस टाइम पे इसको खिलाया जाता है जानवरों को। तो इससे ये पता चलता है कि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्या कह रहे हो, हाँ वही कह रही हूँ। तो गाइस अभी मैं चाची के पास जाकर आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे घास उठाई जाती है। ये देखिए मैं खेत में आ गई हूँ और पूरी घास देखिए ऐसे सुखाने डाल रखी है पूरी काट के, और देखिए सभी लोगों ने घास काट कर यहाँ पे सुखाने के लिए रखी है, और बारिश आ गई है। अब चाची फटाफट घास को उठा रही है, ये देखिए चाची फटाफट पुले बांध रही है, ये देखो ये है हमारी चाची पड़ोस की चाची। बारिश आ गई तभी आप भाग भाग के आए ना, ये देखो इस तरह से सारी घास समेटी जाती है। ये सब आप ही का है चाची, पूरा हाँ। ये पूरा आप ही का है, एक दराती और होती तो मैं भी समेट देती,
मैं काल किलन हूँ, मेरे से क्यों नहीं होता है? जो काम करे जो तो होगा क्यों नहीं, करना जो चाहे तो होगा क्यों? हाँ एक दराती और है लाओ, फटाफट समेट देती हूँ। ए देवना यो बारिश होने सब फटाफट उठो सोना आयो और यो झाड़ू टाइम में फिर बासन कर खाऊ फिर आल ये खट्टा कर खुनू लूट हाल लू तो बेसी लीजे नहीं हो खानो खानो अगला टाइम हाथ नहीं पहाड़ों में चाँद जब घास बांध जैसा खाड़ो खा लिया जाओ नहीं ए पापा ने मैं दौड़ी आई हूँ। तो दोस्तों मैं भी कोशिश करती हूँ उठाने की, चाची की थोड़ी हेल्प करती हूँ। आप किससे उठाओगे? चलो चलो आप उधर से उठाओ फिर बांधोगे आप। हाँ चाची मेरे को बांधना नहीं आता है। दोस्तों ये देखिए इतनी मेहनत होती है पहाड़ों में, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सारी घास जिस टाइम पे घास नहीं होगी उस टाइम पे इसको खिलाएंगे। तो देखिए इतनी सारी घास हमने इकट्ठा कर दी है। देख सकते हैं आप लोग पूरी घास समेटी पूरी घास समेट दी चाची कश लागो पे तुम। और धूप भी इतनी तेज आ गई है, लेकिन चाची की घास वैसे भी सूख गई थी ना चाची, घास सूख रखी है तो ठीक ही हुआ पुला भी बच गया। इतनी सी घास समेटने में मैं इतना थक गई, बाप रे। तो गाइस बहुत अच्छी धूप आ गई है, देखिए मम्मी ने गेहूं अंदर ही साफ कर लिए। देखो डैडी मेरी गेहूं साफ कर ली, देखो मम्मा मम्मा साफ कर ली कुछ, ये देखो झाड़ू ला रही। हेलो गाइस मैं पापा को बुला रहा हूँ अभी। पापा चाचू देखो चाचू अरे पापा के घर अरे हम वो देखते गाइस को वो दिखा रहा हूँ मैं गाइस को दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी हम कमरे में आ गए हैं और अब हम खाते हैं खाना और ढाई बज चुके हैं, काफी लेट हो गया आज और फेस भी मेरा बहुत रेड हो गया है क्योंकि धूप इतनी तेज हो गई। पहले तो बारिश आ रही थी और फिर अचानक से इतनी अच्छी धूप आ गई। तो गाइस अभी हम खाते हैं खाना और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का मेरा ये ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।